हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्यासुद्दीन। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज से कैसे बचाव करें। मेडिकल इतिहास में रोजाना नए नए चमत्कार होते हैं। डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली नई तकनीकी की मदद से इलाज है। हाल ही में डॉक्टरों ने ब्रेन एनारिज्म में पीड़ित 48 साल की महिला की जिंदगी बचाई। एनारिज्म के इलाज के लिए उपलब्ध फ्लो डाइवर्टर सबसे प्रभावी और सबसे नई टेक्नोलॉजी मानी जाती है, और ब्रेन की बड़ी रक्त नलिकाओं में सिर्फ इसे ही लगाया जा सकता है। डॉक्टर सबसे छोटे डाइवर्टर को सफलतापूर्वक मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर मरीज की जान बचा ली। आर्टिमिस हॉस्पिटल की न्यूरो इंटरवेंशन टीम का कहना है कि कुछ साल पहले एनारिज्म क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मरीज को ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके लिए आपात स्थिति में उसका कायलिंग से इलाज किया गया। इससे वह पूरी तरह रिकवरी भी हो गई, लेकिन रक्त नलिकाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण एनारिज्म का छोटा हिस्सा टूट गया और एंजियोग्राफी से पता चला कि यह फिर से बढ़ने लगा है। क्योंकि मरीज की फिर से हेमरेज होने का खतरा था और दोबारा बढ़े हुए एनारिज्म का इलाज काइलिंग से संभव नहीं था, इसीलिए डॉक्टरों की टीम ने फॉलो डाइवर्टर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? आर्टमिस हॉस्पिटल के एग्री न्यूरोसाइंसेज में न्यूरो इंटरवेंशन के निदेशक ने कहा, देश में पहली बार किसी मरीज पर पाइपलाइन वेंटेज फ्लो डाइवर्टर इस्तेमाल करने वाली टीम बनने पर हमें गर्व है। एनारिज्म चूंकि छोटी रक्त नलिकाओं पर थी, इसीलिए आधुनिक पाइपलाइन वेंटेज डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। यह प्रक्रिया सफल रही और मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस पतले डिवाइस को छोटे छोटे ट्यूब के जरिए डाला जाता है, इसीलिए यह प्रक्रिया सफल और सुरक्षित रही। इस डिवाइस का इस्तेमाल जटिल ब्रेन एनेरिज्म से पीड़ित कई मरीजों पर किया जा सकता है, जिससे आधुनिक फ्लो डाइवर्टर डिवाइस का सफल इस्तेमाल होता है। पहले इस तरह की बीमारी में ओपन सर्जरी ही एकमात्र होता था, लेकिन बड़ी सर्जरी और मस्तिष्क को सामान्य स्थिति में नहीं आने का खतरा हमेशा बना रहता था। इन दिनों ज्यादातर ऐसे मरीजों का एंडोवैस्कुलर का पूरी सुरक्षा के साथ सफल इलाज संभव हो सकता है। ऐसे डॉक्टर ब्रेन हेमरेज से जान बचा पाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।